फिल्म में मैं माँ का रोल कर रही हूँ, हीरो की माँ हूँ। माँ का किरदार किस तरह का है, किस तरह का बेटा है आपका, क्या आप? माँ का रोल तो मतलब मेन तो माँ ही है, जैसे गंगा के लाल काशी विश्वनाथ, दो बेटों की कहानी है। एक मेरा रियल बेटा होता है और एक मैं गोद ली होती हूँ किसी और का बेटा होता है। तो जाहिर सी बात है कि फिर वो कहीं से मैं उसको लाई हूँ तो उसके प्रति मेरा ज़्यादा ये रहता है कि किसी तरह से मैं उसको कमी नहीं होने दूँ किसी चीज़ का। और अपना बेटा होता है तो वो मेरा अपना है, इसलिए मैं उससे दिखावा नहीं कर पाती हूँ कि तो वो सोचता है कि माँ मुझे प्यार नहीं करती, उसको प्यार करती, लेकिन प्यार दोनों में है। तो इस तरह से माँ पीसती रहती है पूरी फिल्म में। छोटा बोलता है तू मुझे प्यार नहीं करती है, और बड़ा के प्रति ज़्यादा। बड़ा है जो समझदार है, छोटा है जो शहर में पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा ना समझ है, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी समझदार हो जाता है। ओवरऑल फिल्म की स्टोरी बोल क्या है, क्या फिल्म हो, क्या किस तरह का मैसेज जाएगा? ये मैसेज यही जाएगा कि माँ तो माँ होती है, कोई दो आँख नहीं है कि ये मेरा अपना है, ये पराया है। और बड़ा बेटा को इसलिए भी प्यार करती है कि उसका नौकरानी का बेटा है, उसने अपना जान दे दी है मेरे पति को बचाते हुए। तो एक इंसानियत के नाते भी वो फर्ज बनता है उसका कि कहीं उसका इंसानियत खो ना जाए, इसलिए वो बड़े से ज़्यादा लगाव रखती है। और छोटा को लगता है कि मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन वो प्यार करती है। इस तरह से पूरी फिल्म में इसी तरह से कहानी जाता है। लास्ट में बड़ा बेटा अपना जान भी दे देता है, और बहुत खूबसूरत फिल्म है, कहानी इसकी बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये मेरी लाइफ की सबसे अच्छी कहानी है, गंगा के लाल काशी विश्वनाथ। इसके अलावा कौन कौन सी फिल्म आपको? मेरी फिल्म अभी एक आ रही है लाडला, शायद इसके साथ ही वो भी रिलीज हो, खेसारी जी हैं। और काफ़ी सारी फिल्म 100 से ऊपर फिल्में हैं मेरी तो आ रही है।